सो हे गाइस, करण हियर। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हैप्पी शिवरात्रि। और लड़कियों से कहना चाहूँगा कि यार, कोई तो मेरे लिए व्रत रखो ताकि मेरी किस्मत भी थोड़ी अच्छी हो जाए। चलो कोई बात नहीं, जिन लड़कियों ने भी व्रत रखा है, भगवान उसे मेरे जैसा पति दे। तू कहीं का हीरो है क्या जो हर लड़की को तेरे जैसा पति चाहिए होगा? चलो यार, अब तो दादाजी ने बोल दिया है, तो अब गाइस मैं आपको बता दूं कि जिन लड़कियों को जैसा भी पति चाहिए, शिवजी उन्हें वैसा ही पति दे, और जिन लड़कों ने व्रत रखा है उन्हें भगवान अच्छी से अच्छी वाइफ दे। चलो यार, आज का ड्रामा यहीं खत्म करते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों, ये सीरीज का पार्ट 6 है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग पिछले पार्ट्स देख लें, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी, अदरवाइज आपको कहानी कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एकदम छोटी सी, वो जो लाल कलर का बटन है ना नीचे, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज। हेलो। हाय मैम। और एक बार मैम बोला ना तो सर फोड़ दूंगी आपकी। अच्छा, तो क्या बोलूं मैं आपको? हाँ, कितनी बार बताऊं, नाम से बुला सकते हो ना? अच्छा, सॉरी। हाँ ठीक है, माफ किया, आगे से ध्यान रखना। अरे माफ कर दिया? हाँ कर दिया, वो क्या है ना, मेरे दिल ना बहुत बड़ी, मतलब मेयर जैसे है, तो इसलिए माफ कर दिया। आगे से ध्यान रखना, बार बार माफ नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ जी, इतना बड़ा दिल है तो बार बार माफ क्या करो ना। नहीं नहीं, बार बार कैसे माफ कर दे? तुम्हारी जानकारी के लिए वैसे तुम्हें बता दूं, मेरे पास भी सॉरी के भंडार नहीं लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। अच्छा करण, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ हाँ करो ना। अब कितनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी, इतनी स्वीट सी वॉइस है, आप मुझे एक गाना सुनाओ ना। अच्छा, कौन सा गाना? जो आपको अच्छा लगे। ओके, गाना सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, सुनो। फिर बोलना नहीं कि करण आपने मेरे कान से खून निकाल दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। पक्का नहीं बोलूंगी ना? पक्का नहीं बोलूंगी। सोच लो। हाँ सोच लिया। तुझको बना दूं मैं अपना खुदा और सजदे तेरे कर सकूं, मांगू दुआ साथ होने की तेरे कांधे पे सर रख सकूं, धागा एक बांधू तुझको मन्नत बना लूं, कागज पे दिल की तेरी सूरत बना लूं, छूटे कभी ना वो आदत बना लूं, आसीत बना लूं तुझे, किस्मत बना लूं मेरी चाहत बना लूं, दिल से मैं मांगू इबादत बना लूं, छूटे कभी ना वो आदत बना लूं, आदत बना लूं तुझे। वाओ, क्या गाना गाते हो। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत मतलब बहुत 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 ज्यादा, इतने से गाते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे कहाँ होना चाहिए, लोगों के कानों में खून निकालना चाहिए जाकर? नहीं, इंडियन आइडल में चले जाओ। अच्छा जी। हाँ जी, आपके लिए वेट कर रहा है, वेलकम के लिए आपका। हर कोई तुम्हारी तरफ बड़े दिल वाले नहीं होते ना कि मेरे लिए वेट करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो, बट मुझे पता है कि मैंने अभी तुम्हारे भी कानों से खून ही निकाला है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा। मुझे पता है, शेर हूँ मैं, शेर। क्या हूँ? क्या हूँ? जानवर। हाँ वैसे पता है, अगर किसी को बोलो ना कि वाह बेटा वाह, तू तो शेर का बच्चा है, देखना मतलब ऐसे मतलब एक्सप्रेशन देगा कि पता नहीं उसको क्या बोल दिया, मतलब इतना उसको अच्छा लगता है। अगर बोलो कि जानवर के बच्चे हो तो मतलब ऐसा लगता है कि मार देगा, लेकिन दोनों बात की सेम ही तो है ना। हाँ वही तो, इसीलिए कह रहा हूँ मैं शेर हूँ, शेर जानवर नहीं, शेर हूँ मैं। सेम ही होते हैं, शेर भी जानवर होते हैं, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। हाँ होते हैं, शेर तो शेर ही होता ना।
हाँ शेर तो शेर ही होता है, लेकिन जानवर भी तो है ना। माला फर्क ना ही पड़त। ठीक ठीक है फिर, चलो मैम, बहुत बात कर ली, आपको गाना भी सुना दिया। सच में आपका सर फोड़ने का बहुत ही ज्यादा मतलब मन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा, क्या बताऊं मैं, मतलब हाथ में खुजली हो रही है। एक काम करो ना, तुम वहां पे पड़े ईंट साइड पे तुम्हारे ईंट ईंट पड़ा होगा ना, उठा लो और मार दो आके। हाँ नहीं मारूंगी तो क्या होगा, मेरे ही मतलब लॉस होगा ना, फोन पे पड़ जाएगा बेचारा, फोन क्या ही गलती है उसकी। हाँ वही तो, गलती सारी तुम्हारी है, बेचारा फोन उसकी क्या नहीं गलती नहीं है। नहीं गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी। हाँ हाँ गलती मेरी है, क्योंकि पहले इतने आसान से आपको माफ जो कर दिया था। वैसे एक बात पूछूं, हाँ सर पूछिए, अब मैं पत्थर उठाऊं या ईंट उठाऊं, कुछ भी उठा लो। तुम बता दो ना, तुम ईंट उठा रही हो या पत्थर उठा रही हो, उसके अकॉर्डिंग मैं चुनूंगा। ये क्या था। हाँ तुम अगर ईंट उठाओगी तो फिर मैं पत्थर उठाऊंगा ना, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। नहीं मैं फिर पत्थर उठा रही हूँ। अच्छा फिर मैं लोहा उठा रहा हूं। पत्थर की जगह लोहे से। और क्या, वैसे एक बात पूछूं, जी पूछिए। और वो कैसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक से बोलो। बोलो वो कैसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छी बात है, हमेशा खुश रहा करो। आप जो हो ना लाइफ में तो दिक्कत कहाँ से आएगी। मैं मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं भी वही बात कर रही हूँ। वैसे करण आपसे एक बात बोलूँ, हाँ बोलो ना। जब आपने कॉल किया था ना तो अच्छा तो मैं बहुत अपसेट थी, वो वो क्यों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो कौन सी प्रॉब्लम बताओ, आपको अभी नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती। नहीं अभी मुझे डिनर के लिए जाना है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है फिर जाओ तुम डिनर कर लो। ओके हाँ हाँ मैं कर लेती हूँ, आपका डिनर हो गया। मेरा हो गया है, ठीक है मैं जा रही हूँ डिनर करने, कल बात करते हैं। अच्छा ठीक है जाओ, गुड नाइट गुड नाइट बाय। बाय। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।